आप देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हम सफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। सप्रेम जय भीम, हमें एडवोकेट सुधीर स्थाड़े संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। दोस्तों, आज राष्ट्र का मुद्दा इस सेगमेंट में एक विषय के साथ हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ब्लू टाइगर न्यूज चैनल को देखने वाले भारत के तमाम दर्शकों का और ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को सुनने वाले भारत के तमाम श्रोताओं का हम राष्ट्र का मुद्दा इस सेगमेंट में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज एक हाल ही के विषय में ही हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। विषय है कि हाल ही में ही हमारा जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल ने भारत से अपने पुराने रिश्ते खत्म कर दिए हैं और नेपाल ने चीन से अपनी नई दोस्ती कर ली है। तो क्या ये जो नेपाल का जो निर्णय है भारत के साथ में रिश्ते खत्म करने का और चीन के साथ में दोस्ती करने का नेपाल का निर्णय क्या सही है, इस पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक लाइन में हम इसका जवाब देना चाहते हैं कि नेपाल ने हाल ही में ही भारत से अपने जो पुराने रास्ते जो खत्म किए हैं और चीन से जो दोस्ती की है, ये नेपाल के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा घातक निर्णय साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आइए नेपाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। नेपाल ये हमारा पड़ोसी मुल्क है। नेपाल की जो आज की आबादी है 2.81 करोड़, यानी अंदाजन नेपाल की जो आबादी है वो पौने तीन करोड़ के करीब करीब है। और नेपाल का जो क्षेत्रफल है वो है 14,07,516 स्क्वायर किलोमीटर, इतना क्षेत्रफल नेपाल का है। और हम अभी इस नेपाल के मुल्क की भारत से हम उसकी तुलना करते हैं तो भारत ये आबादी में विश्व का दूसरा मुल्क है और भारत की जो आबादी है वो 135 करोड़ है और भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अभी हम भारत और नेपाल के संबंधों को समझते हैं। देखिए कि कई वर्षों से नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है और जब भारत में हमारे यहाँ पर जब सियासत चलती थी और हमारे यहाँ जब राज्य रजवाड़े थे तब से भारत का नेपाल से संबंध रहा है। और देखिए कि हमारे और नेपाल में कई वर्षों से रोटी और बेटी का व्यवहार चलता आ रहा है। भारत के बहुत सारे राजे जो थे उनकी जो पत्नियाँ थी उन पत्नियाँ नेपाल से थी और बहुत सारे राजाओं ने अपनी बेटियों को बहू के रूप में नेपाल में भी दिया है और वही परंपरा चलते आ रही है। आज भी जो नेपाल को सीमा को लगकर जितने भी पड़ोसी गांव है वहां पर भी आज भी रोटी बेटी का व्यवहार चल रहा है। नेपाल एक गरीब मुल्क है और चीन उसको आर्थिक मदद दे रहा है, आर्थिक सहयोग दे रहा है और वो उसके साथ में दोस्ती का दिखावा कर रहा है। लेकिन आज के तारीख में नेपाल के जो प्रधानमंत्री है उनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है और उन्होंने बहुत बड़ा गलत निर्णय लिया है। चीन के चरित्र को समझना बहुत जरूरी है। विश्व के अंदर में जितने मुल्क है आज उन मुल्कों में कम से कम 200 मुल्कों से चीन की दुश्मनी है। पहले चीन दोस्ती करता है
उस मुल्क को आर्थिक सहयोग करता है, उस मुल्क को कर्जा देता है, उस मुल्क में उद्योग लगाता है, उस मुल्क में तक सड़कें बनाता है और उसके बाद में उस मुल्क का बहुत सारा हिस्सा कब्जे में ले लेता है और बाद में उस मुल्क को गुलाम बनाता है। आप देखोगे तुर्कस्तान में भी चीन ने वैसा ही किया है। चीन ने तुर्कस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्से पे कब्जा करके रखा है और वहाँ की जो एक वहाँ के जो नागरिक है उनको डिटेंशन सेंटर में उनको बंदी बना के रखा है। उसके बाद में दूसरा उदाहरण हम देखेंगे जो हांगकांग है उसको भी अपने सैनिक ताकत का डर दिखाकर और सैनिक ताकत के बलबूते पर हांगकांग को भी कब्जे में चीन ने लेकर रखा है। हम देखेंगे कि तिब्बत एक बौद्ध स्वतंत्र मुल्क था और वहाँ के लोग बुद्ध को मानने वाले हैं और बुद्ध के तत्वों पे चलने वाले हैं। एक अमन पसंद एक अहिंसावादी मुल्क तिब्बत था और तिब्बत की जो भिक्षुनियाँ थी उनके ऊपर में चीन के सेनाओं ने अत्याचार किया, जुल्म किया। वहाँ के जो बौद्ध भंते जी थे धर्मगुरु थे कईयों का कत्ल किया गया और तिब्बत को भी मानसिक गुलाम बनाकर रखा है और दोनों के साथ हांगकांग के नागरिकों के साथ और तिब्बत के नागरिकों के साथ बड़ा क्रूरतापूर्ण व्यवहार चीन कर रहा है। भारत के पास तो अनुपम है, भारत के पास विश्व की चौथे नंबर की सेना है, भारत के पास में शक्तिशाली एयरफोर्स है, भारत के पास में नौसेना है, भारत के पास में थल सेना है, भारत के पास में अत्याधुनिक मिलिट्री वेपन्स है। लेकिन आप भारत का इतिहास देखिए, भारत ने अपने मिलिट्री ताकत के बलबूते पर बेवजह किसी भी पड़ोसी मुल्क को परेशान नहीं किया है। भारत ने आज तक पूरे उसके इतिहास में जाकर झांक कर देखोगे तो भारत ने आज तक किसी भी मुल्क पर अपने आप हमला नहीं किया है और सैनिक की ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया है और भारत ने विश्व के किसी भी मुल्क की सैनिक के ताकत के आधार पर जमीन हत्या नहीं है और यह है भारत का बड़प्पन। क्योंकि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, भारत प्रजातंत्र में विश्वास रखता है और भारत विश्व के तमाम स्वतंत्र मुल्कों के संप्रभुता का आदर और सम्मान करता है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि नेपाल को भारत से आज तक क्या क्या मिला है। नेपाल और भारत के बहुत वर्षों से बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं, उनके राजनीतिक अच्छे संबंध रहे हैं, उनके व्यापारिक अच्छे संबंध रहे हैं और रोटी बीटी का व्यवहार भी कई वर्षों से चलता आ रहा है। नेपाल ने आज तक भारत के खिलाफ में कोई साजिश नहीं रची और भारत ने भी नेपाल को कभी परेशान नहीं किया है। इसका कारण यह है कि नेपाल की जो संस्कृति है वो भारत के संस्कृति से मेल खाती है और नेपाल जो देश है यहाँ के 50% लोग ये तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी है और 50% लोग ये हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। नेपाल एक अहिंसावादी मुल्क है और नेपाल एक समृद्ध मुल्क है और नेपाल में झरने हैं, खूबसूरत तालाब है, खूबसूरत पहाड़ है, उसके बाद में हरियाली है, पेड़ है, पौधे हैं और बहुत ही मनमोहक देश ये नेपाल है और इसलिए एक छोटा मुल्क है और ये खुश मिजाज मुल्क है। हमारे भारत के लोग जब नेपाल जाते हैं उनको पासपोर्ट की जरूरत होती नहीं है, वीजा की जरूरत होती नहीं है। नेपाल से लोग भारत में आते हैं उनको पासपोर्ट की जरूरत होती नहीं है, वीजा की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि नेपाल के लोगों को भारत के लोगों पर विश्वास है, भारत के लोगों को नेपाल के लोगों पर विश्वास है। जितनी आबादी नेपाल में है, नेपाल एक गरीब मुल्क है, वहाँ पर
थोड़े पैमाने पे खेती की जाती है, पशुपालन किया जाता है और वहाँ पर उनकी बड़ी आर्थिक समस्या होती है। तो हर वर्ष नेपाल के कम से कम 30% से भी 30-40% जो नेपाल के नागरिक है वो भारत देश में रोजगार तलाश करने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ दिल्ली है, कलकत्ता है, पुणे है, मुंबई है, नागपुर है, कानपुर है, रायपुर है, बिलासपुर है, जयपुर है और हैदराबाद है। हमारे देश में बड़े बड़े महानगर है, हमारे यहाँ पर बड़े बड़े शहर है, हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योग है, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। तो नेपाल के बेरोजगार नागरिकों को वो शारीरिक दृष्टि से सुदृढ़ होने के वजह से और वो एक निर्भीड़ होने के वजह से उनको सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी भारत सरकार में, भारत देश के अंदर में बड़े बड़े कारखानों में उनको नौकरी मिलती है और उनका जीवन यापन चलता है। तो 30-40% नेपाल के जो नागरिक है वो भारत देश में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। 10% जो महिला है वो हमारे महानगरों में आती है, बंगलों में बर्तन मानने का, कपड़े धोने का वो काम करती है। और 10-20% जो नेपाल के जो महिला और पुरुष है वो हर साल ठंड के दिनों में और सर्दी के दिनों में स्वेटर और ऊनी टोपी और ब्लैंकेट और ऐसे ऊनी कपड़े लेकर बड़े बड़े महानगरों में आते हैं और हमारे देश में वो उन्हीं कपड़े बेचते हैं और उसमें से उन्हें अच्छी मोटी रकम मिलती है और वो रकम लेकर वो नेपाल में जाते हैं और 6 महीने तक उनका गुजारा भत्ता उससे चलता है। तो भारत देश ने नेपाल लोगों का हमेशा ध्यान रखा है। नेपाल के लोगों को 12 महीने तक हमारा भारत देश उनको रोजगार देता है। उनके 30-40-50% लोगों का जो जीवन यापन है वो भारत में मजदूरी करने के वजह से उनका जीवन यापन चलता है और पूरे इतिहास में आज तक भारत ने नेपाल पे कभी भी हमला नहीं किया है। तो इस संबंध को, इस रिश्ते को नेपाल ने अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। नेपाल के प्रति मंशा क्या है ये नेपाल सरकार को जान लेना चाहिए। अभी चीन ने नेपाल के 74,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर लिया है और नेपाल के 11 गांव पे भी चीन ने कब्जा कर लिया है। नेपाल के साथ चीन पहले दोस्ती करेगा, नेपाल को पहले आर्थिक सहयोग करेगा, नेपाल को बड़े पैमाने पे कर्ज उपलब्ध करवा के देगा, नेपाल में सड़कें बनाएगा और फिर सारे नेपाल में चीन के टैंक्स होंगे, चीन के फाइटर प्लेन्स होंगे, चीन के मशीन गने होंगी, चीन की सेना वहाँ पर हो जाएगी और पूरे नेपाल को और नेपाल के पूरे क्षेत्रफल को चीन के सेना द्वारा उस पर कब्जा किया जाएगा और वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ के सरकार के मंत्री उनको सबको बंदी बना दिया जाएगा और वो जो नेपाल है नेपाल को चीन के साम्राज्य में उसको वो विलीन करेगा, उसको वो शामिल करेगा और नेपाल का जो संप्रभुता है वो खत्म हो जाएगी और वो चीन का एक छोटा सा राज्य करके वो उसको एक पहचान मिलेगी और नेपाल का सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह है चीन की मंशा और इस मंशा को नेपाल ने जरूर जरूर पहचानना चाहिए। यदि नेपाल ने भारत के साथ हमेशा के लिए रिश्ते अगर बिगाड़ दिए तो फिर इसका खामियाजा आने वाले दिनों में नेपाल को भुगतना पड़ेगा। जो नेपाल से लोग रोजगार के तलाश में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पाने के लिए, कारखानों में काम पाने के लिए, यहाँ पर मजदूरी काम पाने के लिए जो नेपाल से लोग आते जाते रहते हैं तो फिर नेपाल के लोगों का भारत देश में आना जाना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और 30-40% जो लोग जो भारत में रोजगार प्राप्त करते हैं उनको रोजगार मिलना नामुमकिन हो जाएगा और बेरोजगारी की बड़ी भारी समस्या नेपाल में निर्माण हो सकती है और बड़ी आबादी नेपाल में भूखमरी के वजह से मर सकती है।
भारत को नेपाल से पहले से ही लगाव रहा है और इसका मुख्य कारण है कि भारत देश के अंदर में आसाम, मिजोरम, लद्दाख, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में बौद्ध को मानने वाले और तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी बड़े पैमाने पे है। बिहार में तथागत भगवान बुद्ध को मानने वाले बड़े अनुयायी है, महाराष्ट्र में बड़े अनुयायी है और नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक बौद्ध धर्म की धार्मिक स्थली के नाम से उसको पहचाना जाता है और लोग चाहते हैं कि वहाँ के जो बौद्ध धार्मिक स्थल है वो बरकरार रहे, ये सारी भारतवासियों की मंशा रही है। लेकिन अगर नेपाल ने इस गलत निर्णय को अगर रद्द नहीं किया है तो आपको मालूम है कि भारत और चीन का चाहे वो युद्ध एक महीने में होगा, दो महीने में होगा, तीन महीने में होगा या छः महीने में होगा, लेकिन भारत का युद्ध चीन से होने वाला है। यही नहीं तो आज 200 मुल्क चीन के दादागिरी से परेशान है और इसमें आने वाले कोरोना का संकट खत्म हो जाने के बाद जो अमेरिका सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क है, सुपर पावर है, वो भी चीन के खिलाफ में युद्ध करने वाला है। भारत ने अगर युद्ध छेड़ा तो अमेरिका भारत के साथ में आएगा जंगी जहाजों को लेकर और एमिनेशन को लेकर, ऑस्ट्रेलिया भी आएगा, इसराइल भी आएगा, फ्रांस भी आएगा और जापान भी आएगा और नेपाल के बॉर्डर पर और नेपाल के देश में सारे चीनी सैनिक होंगे, उनके हवाई जहाज होंगे, उनके टैंक्स होंगे और फिर भारत के जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से और दिल्ली से वो नेपाल के बॉर्डर पर चीनी सैनिकों पे बम गिरेंगे, उसके ऊपर में बंदूक से गोलियां चलेगी, उसके बाद में टैंक में से मिसाइल दागे जाएंगे और नेपाल ये एक आग का समुंदर हो जाएगा और अपने गलत निर्णय के वजह से चीन के साथ साथ नेपाल अपनी 3.25 के करीब करीब करोड़ आबादी के साथ आग के और बारूद के गोले में भस्म हो सकता है। इस बात को नेपाल ने समझ लेना चाहिए। चाहते हैं कि पहले जैसा ही नेपाल अपने बेखौफ अंदाज में जीता रहे और हम नेपाल से चाहते हैं बम, बारूद, बर्बादी और बगावत, इन चीजों से नेपाल अपने आप को हजारों हजारों लाखों लाखों किलोमीटर दूर रखे। नेपाल एक खूबसूरत मुल्क है, वहाँ पेड़ पौधे हैं, वहाँ फूलों के पौधे हैं, खूबसूरत झरने बहते हैं, खूबसूरत तालाब है, खूबसूरत नदियाँ है, खूबसूरत पहाड़ है और वहाँ की जो हवा है वो भी बहुत सुंदर, वहाँ की हवा चलती है और इसलिए निसर्ग ने उसको जो खूबसूरती दी है उस खूबसूरती को नेपाल बरकरार रखे, ऐसा हम नेपाल से कहना चाहते हैं। और इनसे नेपाल की दोस्ती का जो निर्णय है इसका अर्थ है साक्षात मौत। भारत नेपाल का कई वर्षों से दोस्त रहा है, हर मुसीबत में, हर नैसर्गिक आपदा में, हर मुश्किल के वक्त भारत ने नेपाल का हमेशा हमेशा साथ दिया है। यदि उसे अगर नेपाल को अगर चीन का खौफ है या कोई मुल्क उसे डरा रहा है तो भारत आज के तारीख में भी अपने सारे टैंक्स, अपने फाइटर प्लेन्स, अपने हवाई जहाज, अपने हेलीकॉप्टर्स, अपनी भारतीय सेना, अपने अत्याधुनिक वेपन्स नेपाल में भेज सकता है और नेपाल मुल्क की किसी भी शक्तिशाली मुल्क से हिफाजत भारत कर सकता है और इसलिए चीन ये विश्वासघात की मुल्क है, चीन ये फरेबी मुल्क है, चीन ये धोखेबाज मुल्क है। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, ऐसा नारा देकर बार बार चीन ने भारत का विश्वासघात किया है तो वो नेपाल का भी विश्वासघात कर सकता है। नेपाल को हम आगाह करना चाहते हैं
कि आने वाले 90 दिनों के अंदर में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है और चीन को डर है कि यदि वो चीन का अपने देश का अपने मुल्क का युद्ध मैदान करके यदि वो इस्तेमाल करता है तो ऑस्ट्रेलिया के बम चीन पे गिरेंगे, जापान के बम चीन पे गिरेंगे, अमेरिका के बम चीन पे गिरेंगे, भारत के बम चीन पे गिरेंगे, इसराइल के बम चीन पे गिरेंगे, दक्षिण कोरिया के बम चीन पे गिरेंगे और पूरा चीन तबाह हो सकता है और उसके चीनी सारे नागरिक खत्म हो सकते हैं। इसलिए वह अपने मुल्क को इस युद्ध से बचाना चाहता है, तबाही से बचाना चाहता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा लालच देकर वो छोटे छोटे मुल्कों की जो जमीन है उसको युद्ध मैदान करके इस्तेमाल करना चाहता है ताकि जो भी न्यूक्लियर बम गिरे, जो भी बम गिरे, जो भी मिसाइल गिरे वो अपने दोस्त के मुल्क पे गिरे और अपना चीन सही सलामत बच जाए। अमेरिका एक बहुत पावरफुल शक्तिशाली न्यूक्लियर स्टेट है। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को 6 किलो टन के छोटे छोटे लिटिल अणुबम डालकर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को पूरी तरह से अमेरिका ने बर्बाद कर दिया गया था और 2.5 लाख लोग इस बम धमाके में मर गए थे, उनकी मौत हो गई थी, जमीन जलकर राख हो गई थी, पेड़ पौधे जलकर राख हुए थे। अभी अमेरिका के पास में करीब करीब 8000 के करीब करीब न्यूक्लियर बॉम्ब्स है और उसमें से सबसे छोटा जो बॉम्ब है वो 1000 किलो टन का एक छोटा वो बॉम्ब है। वो बॉम्ब अगर भारत के सरहद से या अमेरिका के सरहद से यदि नेपाल पे आकर चीनी सैनिकों पे गिरा तो उसमें चीन पूरी तरह से उसमें राख हो सकता है। तो इसलिए हम आखिरी बार, नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये बुद्ध राष्ट्र करके उसको माना जाता है, तथागत भगवान बुद्ध का वहाँ पर बड़े धार्मिक स्थल वहाँ पर है और चीन ने पूरे विश्व के जितने भी तथागत भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी है उन पे अत्याचार किया है, उन पे अन्याय किया है, उनकी सामूहिक हत्या की है और उनको गुलाम बना के रखा है और तिब्बत के कुछ लोग अपनी जान बचाकर लद्दाख में, आसाम में, त्रिपुरा में रह रहे हैं। और इसलिए यदि नेपाल अपने स्वतंत्र राष्ट्र को बरकरार रखना चाहता है, यदि नेपाल अपनी संप्रभुता को बरकरार रखना चाहता है, अगर अपने देश को तबाही से और बर्बादी से बचाना अगर चाहता है और युद्ध में भविष्य में होने वाले युद्ध के युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले चीन के दुश्मन राष्ट्रों के अस्त्रों से और शस्त्रों से अगर बचना चाहता है तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है और अभी भी चीन के साथ दोस्ती करने का जो निर्णय नेपाल ने लिया है उसको रद्द किया जाए। अगर वो प्रधानमंत्री अगर चीन के मानसिक गुलाम बने हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नेपाल के, तो वहाँ पर जो नेपाल के पार्लियामेंट में जो बाकी के सांसद हैं उन्होंने ओली के प्रधानमंत्री के सरकार को नेपाल में वहाँ के कम से कम 3 करोड़ आबादी के हिफाजत के खातिर ओली के सरकार को गिरा देना चाहिए उन और नई सरकार को जो सरकार भारत से अच्छे रिश्ते बनाएगी और चीन को नेपाल से खदेड़ देगी ऐसी सरकार को नेपाल में सत्ता में लाना चाहिए। तो ये था आज के चर्चा में हमारा विषय। हमने इसमें कहा है, हमने सारी बातें स्पष्ट रूप से कही है कि नेपाल से हमारा पुराना रिश्ता है, नेपाल से हमारा रोटी बेटी का व्यवहार है। 40% से 50% लोगों को भारत देश हर वर्ष रोजगार देता है, उनकी रोजी रोटी भारत से चलती है, हमारे उनके अच्छे नाते हैं, अच्छे रिश्ते हैं और भारत का चीन के खिलाफ में युद्ध आने वाले 3 महीने में या 6 महीने में बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है
और उसमें विश्व के ताकतवर अमेरिका जैसे, इजराइल जैसे, फ्रांस जैसे और साउथ कोरिया जैसे और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े ताकतवर मुल्क भारत का साथ देने वाले हैं। ऐसे में जो जो भी चीन के साथ में रहेगा वो मारा जाएगा, खत्म हो जाएगा और बारूद के और आग के समंदर में जलकर राख हो जाएगा। और इसलिए यदि नेपाल को अपने वजूद को बचाना है, अपने अस्तित्व को बचाना है, 3 करोड़ आबादी के लोगों को बचाना है और अपने मुल्क की अगर हिफाजत अगर करना है तो भारत के साथ फिर से जो हमारे पुराने वर्षों से रिश्ते रहे हैं उन रिश्तों को और मित्र संबंधों को फिर से पुनः स्थापित करना होगा और चीन के साथ में जो दोस्ती का निर्णय लिया है उस निर्णय को रद्द करना होगा और चीनी सैनिकों को और चीनी टैंक्स को और चीनी फौज को नेपाल से खदेड़ना होगा। यही नेपाल के हित में होगा। आखिरी बार नेपाल को समझ दे रहे हैं, वरना ये समय निकल गया तो फिर नेपाल का जो नाम है, नेपाल मुल्क का जो नाम है, विश्व के नक्शे से इस युद्ध के बाद हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं, हमने जो जानकारी इस सेगमेंट में राष्ट्र का मुद्दा में दी है, ये नेपाल सरकार इस बात को जरूर जरूर समझेगी और चीन के साथ दोस्ती का निर्णय रद्द करेगी। ऐसी नेपाल सरकार से उम्मीद करते हैं और यदि वो चीन के साथ दोस्ती को खत्म नहीं करेंगे तो उन्हें अंजाम के लिए, युद्ध के अंजाम के लिए, अपने बर्बादी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये उनको हम इस माध्यम से आगाह करते हैं। दोस्तों, यह हम अपने संवाद को विराम देते हैं और दोस्तों हमने आज अपने विचार रखे राष्ट्र के मुद्दा इस सेगमेंट में। क्या नेपाल ने जो चीन के साथ में दोस्ती की वो निर्णय उसका सही है और क्या भारत के साथ में रिश्ते खत्म किए क्या ये उसका निर्णय सही है? हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि चीन के साथ दोस्ती ये नेपाल का एक बहुत ही बड़ा गलत आत्मघाती निर्णय है और अभी नेपाल के पास में समय है इस निर्णय को रद्द करने का। तो दोस्तों, हमने अपने विचार बड़े बेबाकी से इस सेगमेंट में रखे हैं। हमारे विचार आपको कैसे लगे आप जरूर जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमारे फेसबुक अकाउंट पे, ट्विटर अकाउंट पे, हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे ईमेल आईडी पे या हमारे मोबाइल क्रमांक पर संपर्क करके हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर जरूर भेज सकते हैं। आप सभी के प्रतिक्रियाओं का हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आप हमें एडवोकेट सुधीर एच ताड़े को इजाजत दीजिए, हम आपकी अनुमति लेते हैं। राष्ट्र का मुद्दा इस सेगमेंट में अगली बार आपसे फिर रूबरू होंगे एक राष्ट्र के मुद्दे के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद। जलीक आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बनता है उसे ब्लू टाइगर चैनल कहते हैं।